पर इतना नहीं है क्योंकि हम समन्वय का बात करेंगे तो बहुत ही सिस्टमैटिकली देखना पड़ेगा। और बीच में अगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस या एग्जाम के बाद वो वैसे भी मुश्किल चीज़ है, हमारे लिए भी मुश्किल है और नई थियोरी वगैरह निकलती है, तो थोड़ा सा मतलब फोकस भी क्वेश्चन आप देख लें कि वो कहाँ से बात आ रही है और कहाँ तक जा रही है, एंड देन डेफिनेटली वो डिस्कशन और उनका चेंज वगैरह वो तो होगा। इट इज अभी कल मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि दिस इज द लास्ट वर्ड, मैं भी मतलब एक कुरान बना कह रही हूँ। A lot of time, हम खुद सोच रहे होते हैं, खुद उस उलझन में होते हैं और इन डिस्कशन से मतलब जहां भी मैंने कोई कमी प्रेजेंट किया मैं खुद बहुत कुछ मेरा भी मतलब वो एक बहन बनता है। अब ये है कि तीन चार चीजें हैं और उस पर मैं खाली हम सोचें क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल से कर रहे हैं वो हमारे जाती एग्जाम से जा रहे हैं। एक तो बहुत लोगों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन सुधार, इंटरप्रिटेशन, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि औरतों ने इंटरप्रेट नहीं किया है। यहाँ मैं खास तौर से हमारे पाकिस्तान में उनकी हालत की प्रॉब्लम थी, जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं इंटरप्रिटेशन औरतों में जरूरत भी है। अब वो भी देखना है कि कहाँ वो शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई। पहले जब इस्लाम का दौर था, पहले जो 100 साल थे उसमें जो उम्मा थी और जो फैसले होते थे औरतें शामिल होती थी, जो प्रॉफिट की अपनी फैमिली है वो वहां बैठती थी और वो उस बहस में जब वो इंटरप्रिटेशन हो रही थी उस बहस में वो न सिर्फ शामिल थी मगर उनका रोल भी ज्यादा था क्योंकि वो ही बच गई थी, मतलब उनका सुना जाता। करबला के बाद उनकी फैमिली तो वैसे मर्द सारे खत्म हो गए थे और वो औरतें ही रह गई थी। हिज ओन डॉटर वो कलाकंद एंड सब्सिक्वेंटली उनकी अपनी बीवियां आयशा सुलेखा प्लेड अ वेरी डिफरेंट रोल। मैं आयशा की कहानी में नहीं जाना चाह रही, मैं तो पता है कि उनका बहुत एक पब्लिक रोल रहा। उनकी जो अपनी बीवियां थी, एक थी बिजनेसमैन बिजनेस वोमन एक मतलब जो भी था मतलब उनकी वो एक पब्लिक रोल तो घर में बैठ के उन्होंने तकलीफ किया। फिर ये है कि अर्ली इस्लाम जिससे कहते हैं वुमेन स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द डिबेट, उनकी बातें हमने कुछ मर्दों ने छुपा दी और उनको अलग कर दिया। और एक सबसे जो अहम से चीज निकली है वो सकीना की स्टोरी। शिया तो वैसे मानते ही नहीं कि वो कहते हैं कि सकीना मर गई थी जब वो 11-12 साल की थी या 14 साल की थी। बहरहाल चाहे वो सकीना थी या दूसरी सकीना थी, एक औरत थी उनका नाम था सकीना। शी लिव्ड अबाउट 40 years और उनकी कहानी है उस पर किताब ये फातिमा ने मिशी ने काम किया एंड उसने कहा था कि मैं ये जो इस्लाम है ये जो कुरान है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो सकीना प्रॉफिट की फैमिली में से इमाम हुसैन की बेटी मतलब उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर डायरेक्ट डिसेंडेंट, उन्होंने कहा कि मैं ये निकाह जो है मानने को तैयार नहीं हूँ और वो उन्होंने अपना निकाह खुद लिखा निकाह नाम और उसने उन्होंने उसमें अपने मर्द को मतलब खामिद को बिल्कुल हक नहीं दिया था कि वो दूसरी शादी करे और लिख दिया था कि अगर ये करेगा मैं करूँ और ये भी लिखा था कि अगर ये किसी औरत के पास जाता है मैं भी जाऊं। मतलब वो सारे बच्चों का जहां कस्टडी का था उसने कहा था मैं बिल्कुल हक नहीं दे रही बच्चों में, दैट निकाहनामा एग्जिस्ट और उस पर पूरी मतलब किताब लिखी गई है वो छप भी रही है कहे वो फ्रांसीसी में निकल गई है अरबी में निकल गई है बट इट इज अ स्टोरी ऑफ सकीना। व्हाई डिड द मुस्लिम्स किल हर ऑफ, मुसलमान जो कहते हैं वो कहते हैं वो 14 साल की थी और वो मर गई क्योंकि हम ये हाँ उसको छुपाना चाहते हैं।
हम छुपाना चाहते हैं कि वो ही सकीना थी, वो प्रॉफिट की फैमिली ना तो डायरेक्ट डिसेंडेंट थी और न ये, मतलब मैं सिर्फ निकाह की बात कर रही हूँ, मगर बहुत उन्होंने अपनी जो जिंदगी वो बाहर निकली, पर्दा उन्होंने एक सेकंड के लिए नहीं किया, मतलब कुछ नहीं ढका, उन्होंने कहा कि अगर मर्द नहीं करता मैं, और ये सारे लिखी हुई चीजें हैं, मतलब वहां की वो जो अब ये है कि दूसरे दूसरी जो बात हो रही थी इंटरप्रिटेशन की, कि हम जानते नहीं है, मगरिब में औरतों ने बहुत काम किया और वो ही कर सकती है, क्योंकि कुरान की जो जबान है वो आम अरबी भी नहीं थी, जैसे सब जमाने मतलब वो बनती रहती है, तो पहले वो अरबी सीखो क्लासिकल अरबी, और फिर वो देखो कि उस जमाने में उस लफ्ज का क्या मतलब था, क्योंकि उसकी कॉन्टेशन बदलती रहती है, जो हम आज अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या उर्दू का करते हैं वो 500 साल या 50 साल पहले उसकी वो कॉन्टेशन नहीं, ये मतलब और नए लफ्ज बनते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां भी ये हुआ कि इट्स नॉट इजी, आई एम नॉट से हम अभी ना सीखी और इंटरप्रिटेशन ना करें, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि इस किस्म की चीजें हुई हैं, और अगर हुई हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें उनकी चीजें पढ़ी या और वो ही कर सकती हैं ना पढ़ी, मगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं काफी, और हमने देखा नहीं कि वो और से क्या करेंगी, वो एक फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप जरूर चली है इस्लाम में, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन की, बहरहाल में भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत सी जो आयतें हैं, बहुत से जो कुरान में है वो नहीं इंटरप्रेट कर पा, पाकिस्तान की कल की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 5 साल मेरे लगे हैं उस पर, वो जो मार के और अलग कर दो और ये दो, 5 साल लगे हैं और अभी तक वो उसको री इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, लगातार उनकी भी पूरी किताब उसे एक आए थे मगर वो इंटरप्रेट नहीं कर, मतलब उसकी जस्टिफिकेशन कभी नहीं है। ये सिर्फ था कि स्कॉलरशिप पर, मतलब मैं जितना भी देख लू वो बात नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ चीजें कुरान में हैं। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है ये, कुछ लोगों ने कहा कि हम सेक्युलर स्टेट बना लें उसको अलग कर लें, प्रॉब्लम यहाँ ये भी आपने कहा कि जमहूरियत जब आएगी तो जमहूरियत से ही सेकुलर होंगे, प्रॉब्लम ये आती है कि ये क्योंकि मर्दों ने इंटरप्रेट किया या हम उसमें मतलब पले, और इसका आइडियोलॉजी के साथ रिश्ता है, क्योंकि मतलब आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी क्या करती है, अभी अंग्रेजी का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, बताएंगे कुछ करना इसका, कि वी एंड स्पेशली वुमेन हैव इंटरनलाइज्ड दिस इंटरप्रिटेशन, अपना लिया अपने अंदर समो लिया क्या भी नहीं चाहते, तो इसीलिए अगर सलमा ने एक सवाल उठा एक दूसरा था कि ये एक बच्ची से शादी कर ली तो फौरन उसने कहा कि नाउज़ बिल्ला, और सलमा को लगा कि मैंने शायद कोई गलत चीज कह दी है, मतलब हमने हमारे अंदर वो ऐसी बात आ गई है, वो स्टेट ने की है मर्दों ने की, मगर इतना वो एक खौफ आ गया है, इतनी वो इंटरप्रिटेशन हमने अपनी कर ली है कि हम भी अगर वो कल जमहूरियत भी आएगी जब सेक्युलरिज्म भी आएगा हम भी शायद उसी किस्म के इतने खौफनाक ना लाए, मगर लगभग इसी ढांचे में लाए, और डर ये प्रॉब्लम हमारी ये कि हमने ये जो है ये चीजें अपनी बना ली, तो उसमें हम पड़ जाते हैं कि शायद वो ही ये कल्याण के साथ गुना है, चाहे वो स्टेट कहे या ना कहे, कुछ भी कर ले
मगर वो एक हमारे अंदर जो चीज आ गई है प्रॉब्लम वहां आती है, तो उस पर ना खड़ा अगर थोड़ा सा हम सोचेंगे कि जो आइडियोलॉजी अब एक और मुझे मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि अभी बात की पूछने के साथ झटने के बाद सर झटने की बात थी और नमाज की थी तो मर्दों के लिए थी और मगर क्यों है कि पाकिस्तान में जब आजान होती है सिर्फ औरत को पढ़ता है। सारी उम्र मैंने दुपट्टा कभी नहीं दिया जब आजान होती है, मतलब कभी भी नहीं, नॉट इवन फॉर वैफ फॉर वुड एवर, बिकॉज आई सेड दैट अगर ये मुसलमान है तो ये करे, मर्दों को दिखा दिया मगर मर्द नहीं करते और कोई नहीं कहता कि वो मतलब गुनाह है, हम नहीं कहते वो नहीं कहते क्योंकि हमने इंटरनलाइज कर लिया है कि दुपट्टा ये सब घटना सिर्फ हमारे लिए है और हमने किया क्योंकि उन लोगों ने हमें कहा है या करके दिखाया करवाया है, बचपन से हमने उनसे करवाया है, हमारे दिमाग और दिल में ऐसी बात वो अड़ गई है कि ऑटोमेटिकली सोचते भी नहीं है आजान हुई और फौरन दुपट्टा, जो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाए सोचते भी नहीं, मगर हम हमारे लिए वो गुनाह हो गया है, मगर उन लोगों ने किया है, मगर हम मानते हैं कि वो गुनाह। प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम जब हमने अपनी वो इंटरनल आइडियोलॉजी वो होती है, मतलब ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं चालाकी से की जाती है, ये इंटरप्रिटेशन वगैरह ये वैसे ही निकलती, ये सिर्फ हम पर नहीं है गरीबों पर भी है, भाई अगर आवाज उठाओ तो वो गुनाह है, अगर मिलकर जद्दोजहद करो वो गुनाह है, अगर किसी की जमीन छीनो, जो अब पाकिस्तान में लोग शरीयत के सहारा लेकर वो कह रहे हैं लैंडलॉर्ड कि जो लैंड रिफॉर्म हुआ था वो नॉन इस्लामिक था कि जमीन हमारी है और हमसे जमीन ले ही नहीं सकती स्टेट नहीं दे, वो भी इस्लाम का सहारा ले, इस्लाम क्योंकि इस्लाम में प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वाकई लैंड रिफॉर्म इस्लाम में है, जकात है ये है जो है, मगर छीनी नहीं जा जमीन के नाम। तीसरी बात, और ये मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि डिस्कशन हमारी आइडियोलॉजी पर आए और वो हम थोड़ा सा सोचें कि हमने ये बातें क्यों आया, हमें ये हमने ये कहा कि भाई वुमेन स्कॉलर्स नहीं रही, हमें किसने कहा था कि नहीं रही, तो मतलब है कि हमने कभी ढूंढी नहीं है या इंटरप्रिटेशन के पास नहीं गए हैं या जो मर्दों के इंटरप्रिटेशन है वो हमने लिए थी अपना लिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम सेक्युलर की भी बात करते हैं और सेक्युलर स्टेट भी बन जाता है, अगर हमने वो इंटरनलाइज बात कर ली है तो हम भी इसमें कहा कि सिर्फ उस किस्म के थॉट ना चीजें शायद ना लाएं मगर हम भी वो चीजें लाएंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी कि जब भी इस्लाम की बात होती है और ये इंटरप्रेट भी करते हैं, ये औरतों की जो रूल्स हैं या लॉज हैं उनको ही इस्लाम सिर्फ औरत पे लागू, पहले ज़ियाउल हक की अगर बात करते हैं कि पहले मतलब ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ डिक्लेयर किया द फर्स्ट टाइम ही केम ऑन टेलीविजन टू से कि भाई मैंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है और भूतों को मैंने मरी भेज दिया, मतलब वो कैद कर दिया, पहले दिन उन्होंने कहा था कि मैं चादर और चार गुजारी के लिए, मतलब ये नहीं कि इस्लाम नाफिज करने या इस्लाम का कुछ करने और इस्लाम का कहा था, मगर उसका जो साथ उन्होंने कहा कि जो इलस्ट्रेशन थी वो ये नहीं था कि मैं सूद बनकर हूं, वो ये नहीं था कि मैं जमीनें वापस दे दूंगा, ये जो भी उनके अपने फॉर्म, ये भी नहीं कहा
कि मैं आर्मी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस्लाम में स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। इस्लाम में हम आर्मी रख ही नहीं सकते, इस्लाम में सिर्फ जिहाद होता है। वो चीजें भूल गए। बात किस पर हुई? चादर और चादर, और सारे जो कानून देखे वो बने वो औरतों पर, पर्सनल लॉ, फैमिली कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, वो कैसे मतलब तुम क्या पहनो, क्या ओढ़ो, कैसे चलो, बाहर निकलो, नहीं निकलो, ड्राइविंग करो ना करो, मतलब सारी जो चीजें हैं वो औरतों पे ही होते हैं। और मेरा ये है कि औरतों को वाकई वो सकते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सी चीजें इंटरेस्ट की सिरे से उन्हें बात नहीं की। पहली चीज वो करते कि हमने लोन खत्म कर दिए हैं ना, हमने IMF के पैसे देने हैं, इंटरेस्ट देना है, और कल से बैंकिंग सिस्टम में यह खत्म हो जाए, वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा औरतों से की। और ये है कि वो हमने देखना है कि ना सिर्फ वो औरतों से करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, मगर हम भी मान गए और हम भी उसी मतलब उन्होंने एक हमारे लिए वो बना दी डिबेट पॉइंट, और हम भी उसी में लगे रहे। वी डिडंट गेट आउट ऑफ इट। द थर्ड पॉइंट आई वांट टू मेक, आई मीन अ पॉइंट दैट आई जस्ट थ्रोइंग इट आउट अगेन फॉर डिस्कशन, के उसी इस्लाम मतलब इसलिए दूसरे में थर्ड पॉइंट इसको टू डिस्कस महाराज गुगल क्या हम उसमें से निकल सकते हैं, या हम भी उसी बहस में रहेंगे कि ये इंसान है या नहीं है या क्या है। एक और बात रखना मुझ मंगवाना और और जो सबसे बड़ी बात है वो ही कि हम उसी हड्डी पे ताने कदम पड़े और जो पूरी तस्वीर है उसे हम देख रहे नहीं है। जी मतलब मतलब वो यही करता है कि वो जो है ना जन्म बात करते हैं अपनी हुकूमत को या अपने फायदों को कायम रखने के लिए लोगों को इतना उलझाया हुआ है, उन्हें पता है कि ये औरत का मसला और ये पर्दे का और ये किस्म की जो चीजें है ना इसके पीछे जो हमारा अनपढ़ सबका नजर है वो इन चीजों के पीछे ज्यादा लग पड़ेगी और उनको उन्हीं में उलझाया हुआ है और अपने लिए उनका जो है वो उसी रास्ते पर और इस माशरे में वो जड़े जो है वो मेरा तो ख्याल है कि वो इतनी मजबूत है कि पहले लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था और वो उसकी सूरत थोड़ी सी बदलती है, जो जिंदा उतना दफन नहीं करे बल्कि वो टॉर्चर देखे और उसको ये अनाउंस ये बता रहे हैं कि तुम्हारा अभी भी नहीं हो रहा। इसको हमने अगर खत्म करने वाली बात है तो हमें तो ये सोचना है कि जब किसी बात पर मर्द से जगावत करनी हो सकते हैं। अब छोटी सी बात है, ये जो दिया सबका साथ का जब नक्शा आया था तो स्ट्राइक कर दी थी रहने वालों ने अक्सर में कच्चे जगह प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और वो मीडिया पब्लिक तमाम पैदल चली है एक हफ्ते तक, उन्होंने प्राइवेट गाड़ी भी रोक दी तो ये चीज आती है ना कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी वो मर्द थे। इसी तरह अभी के हम क्यों अपने अंदर समोए हुए हैं चीजों को, हमारे दिलों में खौफ क्यों मौजूद है, हालांकि मजहब जो है वो वही बात है अपनी जात का मुद्दा है। आपकी सबसे आपने इसको ना स्टेट का होना चाहिए ना इस कम्युनिटी बननी चाहिए, वहाँ पे ये देखना चाहिए कि बेहतरी और सब सबकी भलाई की चीजें हो सकती है, सबकी जिंदगी बेहतर कैसे हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है पाबंदी। आप नंगे पर जाती
नहीं आपका मसला है, आपको जरूरी चादर दुपट्टा लेने को, ये जो नुकता चीनी करके और अपने कौम को जानी का जानी नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ उनकी अपनी मकान रखने वाली बात है। अपना इसलिए हमें उन चीज़ों को चले हम उसको क्या बाइक को ही रहते हैं, और बाइक इन चीज़ों को लेकर बाइक से और अपने इसी तरह ग्रुप ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये उनको ये समझाएं, हम वो इंटरप्रिटेशन नहीं करते, लेकिन जो आम चीज़ें हैं, जो कॉमन सेंस की चीज़ें, क्योंकि देखो तुम्हारा असल मसला क्या है, तुम्हें किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करना है। वहाँ मजहब का हम जिक्र ही ना करें, मजहब की हम बात ही ना करें, ठीक है तुम्हारा मजहब है, तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जो मर्जी करो, लेकिन ये कि उसको मजहब की रोशनी में नहीं करना। नहीं मतलब मतलब है वो बात, वही आप हम तो मतलब को नहीं छेड़ेंगे, हम नहीं छेड़ते। लेकिन अब इस वक्त मसला ये नहीं है कि हम काम किस तरह करें, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, लोगों में काम करें, मसला इस वक्त ये है कि मुल्ला हमें बता रहा है कि तुम्हें ये करना है, यानी ये कि हमें इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मजहब करार देने वाली बात को मानते रहना चाहिए, ये करना चाहिए कि मजहब को सियासत से हुकूमत से अलग जाती मसला होता है। बाद में सभी में बहुत बड़ा इशू है, और इससे कुछ पता नहीं, शायद बेटी हो चुका है, शायद आपके हाथ में कुछ है या नहीं, लेकिन बाकी आप चाहे छेड़ो ना छेड़ो, वो छेड़ने आपके सिर पे ला रहे हैं सुबह से शाम तक। भाई आपने काम किया, आपने कभी छेड़ा नहीं, बात करने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन पिछले 11 साल में जो आपकी जिंदगी में हुआ है, आपके छेड़े से तो नहीं हुआ, तो अब यह है कि आपको कोई पोजीशन लेनी पड़ी। और जो बात इन्होंने कही मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही थी कि इस बात को जमहूरियत से जोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये मानती हूँ, और इस बात से जोड़ना पड़ेगा कि आपका जो मजहब है वो सरकारी मजहब हो या ना हो, और सरकार उसको वो करे ना करे, और आप ये जो बिल पास हो रहा है उसकी मुखालफत करती है या समझती है कि नहीं, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। फिर ये भी मसाइल है, और बड़े मसाइल यही है। और एक चीज जो और है कि मैंने कहा कि जो आइडियोलॉजी है, जो नजरिया है, जो मेन आइडियोलॉजी है, उसको लोगों तक पहुंचाने के बहुत तरीके हैं सुबह से शाम तक, और मैंने आपको बहुत ही उसके वो एग्जांपल्स दिए हैं। अगर फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन है भी, तो जब तक मैं किसी खास लाइब्रेरी में नहीं जाऊं और कोई खास जबान न पढ़ूं, वो मैं समझ ही नहीं सकती। आप उसको मेरा ये कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं जाहिल हूं, बात यह है कि वो चार चार आने में हर दुकान पर नहीं मिलती, हर मौलवी टेलीविजन पर वो बात मुझे नहीं बताते। उनकी कोशिश ये होती है कि अगर वो है भी तो किसी लाइब्रेरी में खरीदी ना जाए, अगर वो है भी तो उस पर बात न की जाए, अगर वो है भी तो उसको फैलाया ना जाए। आपकी 100 किताबें नहीं हो सकती है, लेकिन अगर 100 किताबें सस्ते रूप में दिख नहीं रही, टेलीविजन पर, रेडियो पर गागा के बताई नहीं जा रही, चिल्लाई नहीं जा रही, तब तक उसका क्या फायदा। तो हमें देखना ये है कि अगर वो इंटरप्रिटेशन मौजूद है, तो क्या कम से कम अपने लेवल पर हम उसे समझकर एक अल्टरनेटिव मीडिया तैयार कर सकते हैं, क्या हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसको जो दूसरे लोग हैं उसको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करी। और इन्होंने खुद ने एग्जांपल दिया कि वो सकीना बीवी थी, उसको तो उन्होंने मर्डर ही कर दिया, उठा के वो मरी भी थी कि नहीं मरी थी, कह दिया वो तो मर गई थी। और हर जो नई औरत आज की है जो इस पर काम कर रही है, वो औरत सकीना बीवी बताई जाएगी, कहा जाएगा कि या तो वो मरी गई है, और अगर है भी तो बिल्कुल गलत है, उसको या तो फिजिकली मार दिया जाएगा या उसको आइडियोलॉजिकली खत्म कर दिया, और डरते डरते फिरते रहो। और हालत आप देख लीजिए जो कि सलमान रश्दी के साथ हुआ, खत्म करके रख दिया उसको, तू बाहर ही नहीं निकल सकता, पढ़ते तू लिख कैसे दिया, और उस खौफ के बाद कोई औरत दोबारा लिख सकती है? और आप कह रहे हैं कि औरतों में खौफ क्यों हो रहा है, जब मौलवी घर में मियां भाई बाप बन के बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर वो खौफ हमेशा मौजूद है, क्योंकि आपके ऊपर
या उलद की शक्ल में या मौलवी की शक्ल में आपके खुद के मर्द वहाँ मौजूद है, आप आवाज ही नहीं था। कम से कम मर्दों का यह है कि जब तक वो उनका मुकाबला किसी लैंडलॉर्ड से नहीं होगा तब तक वो बचे हुए, या उनका मुकाबला किसी मौलवी से नहीं होगा तब तक बचे हुए। यहाँ तो हमारे चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो मफाद है मौलवियों का, स्टेट का और हमारे मर्दों का मफाद एक हो जाता है। कोई ऐसी चीज है जिस पर हम एक कॉमन व्यू बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक आज भी कोई ऐसा मसला हो जिस पे हम कहें कि हाँ हम कम से कम ये तो मानते हैं और ये चाहते हैं और ये कहने की जगह जगह कोशिश करेंगे। कोई ऐसे एक दो बातें हैं क्या जिस पर हम थोड़ी सी एक कंसेंसस पूछ लें, बना लें या उसमें अगर दो राय दे दो? आयशा, The common, I would think that the common point is that we separate the beginning of the story from the way as women proceed from there. Except what I see is a big problem that doesn't really solve the game, in the sense that Islam is not a religion that allows you to be what is described as a form of Islam, if you keep the religion being that internal relationship between you and God, because it varies like Christianity allows for. Judaism also doesn't allow for that. But Islam has that element of a good Muslim requires that you live in, you live as a Muslim in a Muslim community, and the Muslim community is there so as to serve the purpose of God. I mean, the intentions of the community should be the same as the intentions of the Muslim living within the community. So I mean, that debate is still there. How, you know, we will always have to explain how we still want to call ourselves Muslims, but yet not, but stop our duties so that they don't become those of the Muslim community. आयशा दो बातें कह रही हैं, एक बात मैं कह रही हूँ, कम से कम हमें इस बात को सोचना चाहिए क्या हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट है, रियासत है, वो एक कोई खास मजहब अपना ले, या क्या हम रियासत को मजहब से अलग रखना चाहते हैं, कम से कम क्या हम इस बात पर इत्तेफाक कर लें। दूसरी बात ये कहती है, ये तो हम बात कर ले, लेकिन कहती है कि इस्लाम में ये बात करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि भाई इस्लाम मेरा मजहब है और ये अलमिया और मेरे बीच का एक रिश्ता है जो इस्लाम मुझे बताता है। वो कहती है यहीं तक वो इस्लाम नहीं रहने देता। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आपको एक मुसलमानों की कम्युनिटी के साथ रहना है और उस कम्युनिटी के जरिए से आपने रिश्ता बनाना। तो कहीं ना कहीं स्टेट या कम्युनिटी की बात भी इस्लाम में आ जाती है। वो बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती कि इस्लाम सिर्फ आपके और अल्लाह मियां के बीच का रिश्ता है। तो कह रही है कि शायद इस वजह से थोड़ी सी और ये मसला जो है वो उलझ सा जाता है कि क्या आप इतना कह सकती है कि भाई ये मेरा जाती मामला है, मैं कैसे रहूं क्या नहीं रहूं, और रियासत को इसमें कोई दखल देने की वो नहीं है और जबरदस्ती किसी को थोपने की बात नहीं। हमारे पास एक बात ये भी है कि एक अच्छे मुसलमान को किस तरह रहना चाहिए, क्या क्या उसकी मतलब ड्यूटीज है और क्या क्या सोशल ड्यूटीज है वो भी इस्लाम में बता देंगे अगर आपको ऐसे अच्छे। तो फिर ये है कि इस्लाम में एक तरह से सोच नहीं है, कोई जो है 60-62 तरीके हैं जो ये टाइप के मसले हैं, तो आप कोई एक रूल नहीं बना सकते कि अगर आप सुन्नी बनाएंगे हनफी है शाफी है बाकी सबसे जाती है।
दो बात एक ये है कि वाकई इस्लाम में जो सेपरेशन है, हालांकि इसकी भी हिस्ट्री है कि पहले क्रिश्चियनिटी में सेपरेशन नहीं था पर एनीवे वो सेपरेशन इस्लाम में नहीं है और वो यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि इस्लाम में जैसे कल बात कर रही थी कि वाहिद मजहब है जहाँ स्टेट पावर भी आ गया तो वो स्टेट के साथ उसका डायरेक्ट और कुरान में ही स्टेट की बात कर और हाउ टू लिव एज अ स्टेट एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पर्सन हम उसको सेक्युलर कर भी देते हैं और बहुत से मुसलमान लोग हैं जो सेक्युलर हैं, सबसे बड़ा जो मुसलमान लोग है दुनिया में इंडोनेशिया इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक, इट इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक, शरीयत मुसलमान है। और जो मैं बात कर रही थी कि हमने जो इंटरनलाइज कर लिया है इंडोनेशिया में जो रूल वगैरह जो डच बना के छोड़ गए तो ठीक है वो छोड़ गए बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इज इस्लामिक बिकॉज द पीपल हैव इंटरनलाइज और वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इंटरनलाइज मतलब वहां के भी मर्दों ने ये किया कि द वुमेन से कि हम ये करेंगे तो ये गुना हम अपने मतलब बेटे को ज्यादा नहीं देंगे तो वो गुना है हम मतलब पर्दा नहीं करेंगे तो वो गुनाह है उसकी प्रॉब्लम मतलब सेक्युलर स्टेट से बेहतरे खत्म नहीं होती जब तक हम खुद ना देखें कि इस्लाम में है क्या और हम क्या चाहते हैं उस इस्लाम से अगर हम सिर्फ कुरान और फिर अगर हदीसों को ले लें तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है मगर कुरान भी अगर लें उसमें ही प्रॉब्लम जो मैं कल कहना चाहती हूँ उसमें भी प्रॉब्लम असर हुआ है या जिस तरह से उसको का निफाज हुआ है वो किस तरह से हुआ है तो एक स्टेप तो वो ये है कि आप कहें कि आपका जाति मसला है और हम स्टेट को अलग कर देते हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप कि अगर हम ये बात भी करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि इसके लिए भी तैयार नहीं है जितनी फोर्सेज हैं वो तैयार नहीं है बहुत पावरफुल फोर्सेज हैं आपके पास लेकिन क्या हम उससे और जरा सा एक स्टेप आगे बढ़ के अपने जनित को बोलने के लिए तैयार हैं कि ये समस्तों के सवाल उठाने शुरू करें कहें कि ये कुछ तो है ना हम उस पर सोचना चाहते हैं कि ये क्या है तो क्या हम सोचने के लिए हिम्मत कर पाएंगे वो ठीक है लेकिन मतलब अगर एक चीज पे मतलब इज इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू आस्क इंसिस्ट दैट इट शुड बी सेक्युलर स्टेट वो मान रहे हैं हम तुम्हें अपने को ठीक करना है इंटरनलाइजेशन जो है उसको खत्म करना है वगैरह वगैरह दैट इज अ साइमल्टेनियस थिंग और द फैक्ट दैट सम वुमेन हियर आर सेइंग इट शुड बी सेक्युलर स्टेट दैट दैट प्रोसेस टू सम एक्सटेंट स्टार्टेड अमंगस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट दीस टू पीपल आर सेइंग सम पीपल आर सेइंग दैट वी एज वुमेन शुड डिमांड दैट द स्टेट शुड बी सेक्युलर नाउ इज दैट पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डू वी एग्री वी शुड डू इट And of course, continue to fight the internal enemy. So, our answer back up. One thing why I think you feel at this point ready to say this because the executive state is because we're still taking a defensive position. We're so fed up with the way Islam has been shut down our throats and the way it has been brought to us and it made us suffer so much that we would want to just turn around and say, give us a secular state and stop this. It's not really taking a position on Islam. Do you know what I mean? It's more of, how do I say it? Do you know what I mean? It's more of like the fahujah instead of
this is what I really think Islam should be, and I've thought about Islam. It's not a positive step so much as it is a negative step, and it still doesn't solve the problem of Islam. So the thing is that that's a very small group that you're about. No, I think most of the power, right? Because the power is a political empire. जिस तरह 11 साल में जिस तरह टेक्स्ट बुक्स बदली गई है, जो मीडिया पे आए, आम लोग बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेड अब शरीयत बिल तक भी एक्सेप्ट बहुत करते हैं, तो वो तो हम तो कहते हैं शरीयत बिल तो नेचुरली हो गई, मगर जो आम लोग हैं वो तो क्वेश्चन ही नहीं करते ना कि अच्छा हाँ अगर इस्लाम की बात है तो People's Party cannot say today with 40% of the our bank, vote bank, that we do not want an Islamic Republic. They obviously don't, they have not been able to. Jo parties hain, वो कम्बक लेफ्ट पार्टी भी अब इस्लाम का कर रही है, मगर वो अगर सेक्युलर कह दें, वहाँ हमने देखा 88 के इलेक्शन में कि जिन्होंने कहा था 200 वोट 150 वोट ऐसे वो हारे हैं, नहीं मगर इस्लाम इट्स रियली नॉट, वो ये है कि द आइडियोलॉजी द स्टेट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, यू कैन नॉट डिनाई that the state has been very successful in making Pakistanis think that what is Islam and what is the good person and how the state should be. Usme phir Nukta Chini Vagara Batle has been extremely, wo ek matlab Ziaul Haq ka jo bhi hai, it was the most successful thing ke wo baat aa gayi hai logon mein. And today it is very difficult to say ke we don't want an Islamic Republic in Pakistan, and from the beginning, but Islam, you can't say that Ziaul Haq here has not been successful. Absolutely. But look at this. कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा स्टेट इस्लामिक स्टेट हो, चाहे शायद वो उन्होंने सदियों से तो पाकिस्तान ही नहीं था, मगर उन्होंने शायद ये लड़ाई या स्ट्रगल कुछ नहीं किया होगा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बने, मगर वही जो उनके हमारे अंदर बात इतनी बैठ गई है कि कोई तैयार नहीं है ये कहने को कि नहीं हम नहीं चाहते कि हमारा स्टेट इस्लामिक स्टेट हो। ये मतलब तो नहीं है कि अगर हम लोगों की काफी ब्रेनवॉशिंग हो गई है, बिकॉज मेरे ख्याल है जो ये रिलीजन का जो मामला है ये बेसिकली मिडिल क्लास का है, गरीब लोगों के पास अगर आप जाओ उनको इतना ये नहीं है कि इस्लाम हो के नहीं, उनके अपने इश्यूज इम्पोर्टेंट है, और ये इस्लाम का है, इट हैज कम फ्रॉम विदिन द पीपल, इट हैज बीन फोकसड ऑन देम, एंड मे बी इट इज करेक्ट कि वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट यस इस्लाम इज, मगर सर ये मतलब नहीं कि हम अब डिमांड, बिकॉज एक हो गया है तो अब डिमांड नहीं कर सकते हैं। मेरा इसमें है कि और दो डिमांड शायद ना हुए, अगर हम सेक्युलर स्टेट की बात करें तो इमीडिएटली नहीं, एलियनेट तो नहीं, मगर जो दूसरे फोर्सेस हैं जो नहीं चाहते ये, वो इस्लाम की बात करेंगे और फिर हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो रह जाएगी, फिर इट विल बिकम एन इशू इवन विद द लॉ क्लासेस, एंड यू विल हैव टू, कुछ हमें जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी व्हाटएवर यू थिंक द लॉ क्लासेस दे डू हैव दिस थिंग विद
Islam. They do have an identification with it, even if they don't understand the Zayn Islam. And especially when you start, agar hum kehna shuru kar de ke jo aurton wali baatein hain, tab to jo lower class ke bhi mard hain, wo to khade ho jayenge ki nahi ye to Islam hai, matlab proper ye Islam ye kaise ho sakta hai. Very good. Now, if you are of the world, if you are of the world, also of the world, and you must not go to a target, you will come on and get the utility. It's not a lot of it, but it's as the time passes, to which you step up with each and every day, you have to take a path of the last, you want to get the camera, you want to try to climb the camera, you can go to a moment stand, you know, क्योंकि इस वक्त वो प्रो इस्लामिक फोर्सेज हैं उसमें बड़ी कंटेंशन है उनका आदमी एक वहाँ फिल्टर में बैठ रहा है एंड वी नो दैट मैन इज नॉट दैट रिलीजियस माइंडेड वो अभी अपना मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके समटाइम ये जो केवला मचा हुआ है ना ये खुद ब खुद न्यूट्रलाइज होता है और फिर कहीं जाके हम लोग सेक्युलरिज्म या ये के थोड़ा लेकिन बताए की आम लोग क्या सुनते हैं रिलीजन के बारे में अगर आप उनसे कहें कि रिलीजन में जाती मांग होता है और स्टेट का इसमें दखल नहीं होना चाहिए तो क्या रिएक्शन होगा हमारे वहाँ अभी हमारा जन्म जुकाम है नमाज लगाओ तो वहाँ तो ये बात नहीं है स्टेट की या वो नहीं है और हमने एक बात माननी पड़ती है हम वहाँ रिलीजन का प्रोत्साहन लेते ही हम भी सब जैसे दुपट्टा वगैरह पहन कर जाना पड़ता है गांव के बीच में कोई नमाज पढ़ रही है वो भी आप या कोई बहुत दुखी प्रोत्साहन का मजहब का ले रही है बहुत दुखी दुआओं कर रही है ये याद करूँगी हाँ ये नहीं है मैं रूह अखलाक में ये नहीं है मतलब बिल्कुल है रूह अखलाक बहुत ज्यादा है वही सारा वही उनकी उम्मीद है मजहब भी उनकी उम्मीद है ये तो है लेकिन स्टेट और उसको अलग करना इतना मुश्किल नहीं है तो अगर उस रिस्पेक्ट पर वो नहीं आएंगे बाकी मिडिल क्लास है उनकी सोच जो है जरा मुख्तलिफ है उनकी जरा मुख्तलिफ है मुस्लिम हो सकती है लेकिन जैसे जे यू आई में जे पी के जमात इस्लाम की बड़ी रिलेटेड है हमें इनकी जड़ें कहीं नजर नहीं आती तो आए का धुका जगाओ है मतलब वही जो मजहब एलिमेंट है ना कि ये तो बिल्कुल खुदा के फौजदार बन गए ये तो हमें इतने पास में नजर नहीं आता पीपल्स पार्टी 70 के इलेक्शन में अपने सोशल प्रोग्राम की बुनियाद पर दी थी उसकी बुनियाद पर ही इसी तरह जो आवामी लीग थी वहाँ अपने बांग्लादेश में वो भी है ना मजहब की बुनियाद पर नहीं दी थी फिर भी वो लोग भी सहारा तो लेते हैं ना मजहब का मरियम बोलने जा रही है पता है ये वही सबसे पहले जो मैंने पहली बार सुनी है गरीबों को कुछ नहीं के लिए फिर बाद में अल्लाह ताला स्वाद है कि अभी तुम गरीब हो गरीब ही रहो ये अमीरों ने और उन लोगों ने जो भी है बरतमंद लोगों ने कुछ नहीं के लिए इसका साथ करने के लिए बनाया तो सबसे पहले तो यह समझ के लिए वो हाँ इतनी जरूरी है तो ये है कि हम सही करें और देखें और छोटे छोटे ग्रुप देखें जो असलियत है वो असली चीज है जैसे जब हम दूसरों को देखते हैं उनको जब फिर हम बात नहीं
फिर आ गई एज ए मिलिट्री ऑर्डर।